ऑफिस में अनिल कुमार जी का स्वागत। आज मुरादनगर की टीम यहाँ आई है सम्मान समारोह में, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ भाई देवपाल जी, आ जाओ रोहता जी, आ जाओ पार्क में आओ जाओ। वो काफी हमारे मुरादनगर अध्यापक प्रधान जी आ जाएगा, आ जाओ भाई, आ जाओ ये बना देना हमारे जो गाजियाबाद से मुरादनगर से आए जी। आप लोग जो और ये कहो नाम कराने मुरादनगर लगता है सर, उसमें विधानसभा बागपत में तो वहाँ करा देंगे बागपत वाली। हाँ मुरादनगर है उसमें गाजियाबाद में। अच्छा अच्छा आप कराइयो ना। हाँ मोदी नगर भी हमारा लोकल ही है। प्रधान जी से टाइट रखो नेता को। गाजियाबाद से आज मुरादनगर के अंदर तमाम साथी आराम से एक एक करके आराम ना अनिल को भैया की स्वागत जोनी जो फोटो खींचो बढ़िया दोनों सम्मिलित ना भाई। देखो अगर इनकी गिरगी उनकी हो जाए तो अब भी बना लो फोटो पीछे जाओ थोड़ा थोड़ा अब जो है अब भी बनाओ वीडियो बना दो। वीडियो चल रही है मोदी नगर मुरादनगर से है भाई मंत्री जी के स्वागत के लिए। मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन और वंदन। गाजियाबाद मुरादनगर मोदनगर की टीम यहाँ आ जाइए। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक दो सेकंड की बाइट हो गया। अच्छा भाई देखो अब मेरा एक अनुरोध है बस आप सब लोगों से, ठीक है मैं 24 घंटे तैयार हूँ। मुरादनगर में जो अपना प्रत्याशी एनडीए का है, मुरादनगर कौन सी लोकसभा पड़ता है? गाजियाबाद तो गाजियाबाद करना है। बाकी जो मोदी नगर में ख्याल पड़ता है अपना बागपत, वहाँ सांगवान जी लड़ रहे हैं जी जी। पूरी मजबूती से मदद करनी है, जिस मजबूती के साथ में आपका सम्मान जैन जी ने बढ़ाया है तो उनका एक कर्ज हमें उतारना। आपकी बात भी चली जाएगी सांगवान जी, जब आप लोग बीच में आओ उन्हें कहो उनसे बात होगी मंत्री जी से और हम सब लोग साथ रहे। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ने ठीक है थीके? और मैं उधर बाग बताऊंगा भी तुम मुरादनगर में कार्यक्रम आप लोग करो समाज करवाएंगे करवाएंगे करें। मोदी नगर मुरादनगर दोनों जगह हाँ मोदी लोकसभा मेन हमें बागपत काम करना है पूरा तो मोदी नगर मुरादनगर ये जो गाजियाबाद मजबूत है वहाँ भी करेंगे काम वहाँ भी काम मोदी नगर रख लियो जहाँ रखो रख लियो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी नगर भी दे देंगे 10 मिनट मुरादनगर भी दे देंगे जहाँ भी कहोगे आप दे देंगे ठीक है। बाहर नहीं होंगे क्योंकि आपका कल नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का परसों में फिर चुनाव में लग जाओ सब लोग। उसके बाद में हम गंभीर एक फुट लिए मंत्री जी के साथ ये बिट्टू प्रधान आबूपुर के रहे हैं, रामकिशोर प्रधान जी हैं जिला पंचायत मेंबर भी रहे हैं, रोहताज जी हैं कमल जी सभासद हैं भाई, ये मुरादाबाद गांव के प्रधान रहे हरिप्रकाश जी अध्यक्ष हैं, धर्मवीर जी हैं, ये संजय प्रधान वर्तमान में इसाक नगर हैं,
वो देते के प्रधान रहे हैं, स्वराज हरित जी हैं, सब मोजी लोग हैं। महेश मुखिया जी बड़े आपकी बात नीचे नहीं घर में घूमने के लिए हां प्रधान के लिए मऊगांव के प्रधान प्रधान है मौजूदा चार प्रधान है हमारे हां तो से प्रधान हां वर्तमान है ये भी तो मौजूदा प्रधान है चार आपका मान सम्मान पूछे रहेगा और बात में लगते हैं इनके अरे बात नीचे ऊंचा रहेगा मान सम्मान पूरा कम नहीं रहेगा आपकी प्रतिमा लोगे धन्यवाद हां जी जो सौंदे वाला की थी बाबा साहब हाँ जी हाँ और देखो फर्जी मुकदमे लगे हुए वापस कराएंगे वो वापस कराने हाँ, 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 और देखो जो हमारी टीम है मेरी टीम से होगी मेरे संगठन से होगा वो आपकी मदद कराई जाएगी 2 अप्रैल का जो पूरा मोदी जी का पूरा मैंने उसका आंसर उठाया था जब हम विपक्ष में थे मैं विधानसभा में उठाया था पत्र वापसी के लिए और अब हम मुख्यमंत्री से विशेष अनुरोध करते हैं बस जी बहुत बढ़िया आदरणीय जयंत चौधरी के माध्यम से उन मुकदमों को वापस कराएंगे बहुत बहुत नहीं बहुत बढ़िया जी ठीक है बहुत ही और बहुत सारे काम है जो कराने नहीं नहीं बिल्कुल देखो जी इन्होंने कहा कि मिलना मगर मैं बिल्कुल चलता और समाज को जागृत करने का काम उन्होंने किया जी ठीक है आज समाज में जो राजनीतिक चेतना है सामाजिक चेतना या अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी लेने की जो जो भावना जागृत की है वो मानव काशीधाम में जब आप कमेंट करना आज आप लोग कवरेज नहीं करने दे रहे कि बहुजन समाज पार्टी चेहरा इधर रखो मेरे कैमरे मिशन पे काम कर मिशन खत्म हो गया जब तक मानव काशीधाम की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में निहित रही तब तक आप सरकार में रहे लेकिन आज नहीं है आज स्थिति क्या है इसका नुकसान समाज को हो रहा है तो समाज को ये बड़ा सम्मान जो आदरणीय जयंत चौधरी ने दिया है इस माध्यम से आप लोग जो है अपना जुड़ो और अपने काम अपने सब सब चीज कराओ और जयंत चौधरी जी को सम्मान करो वो मेरा ये कहना है आप लोग ठीक है मेरे मैं 24 घंटे तैयार हूँ मेरे से कहीं लखनऊ मिलो यहाँ मिलो कहीं मिलो कोई दिक्कत नहीं मेहनत करेंगे चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम नमो बुद्धाय आज हम मुजफ्फरनगर के अंदर हैं आदरणीय अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर लोकदल से और हमारी गाजियाबाद मुरादनगर मोदनगर की टीम उनका अभिनंदन और वंदन करने के लिए आई है तो सभी का स्वागत है और साहब माननीय काशीराम जी का कल जन्मदिन है तो उस पर मैं कुछ जानकारी थोड़ी सी आप लोगों को शुभकामना दूंगा नमो बुद्धाय जय भीम साहब साहब काशीराम का जन्मदिन है तो कैसा महसूस कर रहे हो बहुत अच्छा बहुत खुशी है जी आप बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं तो किस तरीके से विचारधारा बढ़ा मैं लीडर नहीं हूँ एक कार्यकर्ता हूँ जी जी हाँ ठीक हाँ जय भीम नमो बुद्धाय मेरा नाम अरुण कुमार गौतम कल माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन है उनका 90वां जन्मदिन कल बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस उसकी बड़ी खुशी है हमारे उसमें जी पहले तो मैं माननीय कांशीराम साहब के कल जन्म दिवस पर पीड़ित शोषित वंचित समाज को बधाई देना चाहूँगा कि वे माननीय कांशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलकर जो उनका काम अधूरा था उसे पूरा करने का काम करें उसी के साथ साथ मैं माननीय जयंत चौधरी जी ने जो सम्मान दलित शोषित समाज को माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी को कैबिनेट मंत्री बनाकर दिया है मैं जयंत जी का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा स्वागत करना चाहूँगा उनका हार्दिक आभार करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी को मंत्री बनाकर समाज का सम्मान बढ़ाया जी सर मेरा नाम महेश मुखिया जी मैं मंत्री जी के यहाँ पे आया हूँ बहुत अच्छा लग रहा और माननीय जयंत चौधरी जी ने हमारे समाज को सम्मान दिया है और कल जो क्या नाम है माननीय काशीराम जी का जो जन्मदिन है हम अंबेडकर पार्क पर भव्य तरह से मनाएंगे सबको क्रांतिकारी जय भीम और मेरा विपिन कैमरी है बहुजन एकता संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कल साहब काशीराम जी का जन्मदिन है जिसको बड़ी धूमधाम से मैं मनाना है और साहब काशीराम जी ने हमें अब इस समाज को एक राजनीतिक का एक चाबी दी कि राजनीति किस तरह होती है साहब काशीराम ने हमें सिखाया तो हमें उनके नक्शे कदम पर चलकर ही इस देश के अंदर शासक बनना है जब तक इस देश का शासक नहीं बनेंगे तो हम पर शोषण अत्याचार होता रहेगा जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो कल माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन की समस्त बहुजन समाज को लख लख बधाइयाँ हमें साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए
सभी को एकजुट होना चाहिए और हमें साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर सत्ता की चाबी हासिल कर अपने समाज का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। जय भीम बोलता है। माननीय काशीराम जी के जन्मदिन पर हम पूरे समाज की तरफ से बधाई है बस। जय भीम नवोबधाई। माननीय काशीराम जी के जन्मदिन पे सभी समाज को हार्दिक शुभकामना शुभकामनाएं। जय भीम। क्वेश्चन करो। हाँ जी। जय भीम नवोबधाई। ठीक है। आज हम मुजफ्फरनगर के अंदर हैं और गाजियाबाद राजनगर मोदी नगर से जो टीम है वो टीम हमारी पूरी माननीय अनिल कुमार जी जो विधायक से कैबिनेट मंत्री बनाए हैं जी जयंत चौधरी जी ने जी। आपको तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं जी और सम्मानित अधिकार भी कवरेज कर रहा है और हम जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज के एक नेता को कैबिनेट मंत्री बनाया और मुजफ्फरनगर के अंदर उनको जो तवज्जो दी है जो सम्मान दिया है समाज के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। और हम सब लोग आशा करते हैं कि जयंत जी और अनिल कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री बने हैं वो समाज का दर्द जरूर समझेंगे और 2 अप्रैल के जो मुद्दे हैं हमारे देश के अंदर ऐसी समाज में जो मुकदमे लड़े थे लगे हैं जबरदस्ती लोगों को टॉर्चर करा गया है उनकी आवाज़ को भी वो विधानसभा और लोकसभा में उठाने का प्रयास करेंगे ताकि पैसे युवाओं पैसे जो केस थे वो केंद्र सरकार वापस ले राज्य सरकार वापस उसमें बहुत सारे लोग हो रहे हैं और मेरी तरफ से सभी को काशीराम साहब के जन्मदिन की 90 हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग तीन काम जरूर करेंगे कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे किसी भी फालतू बात से बचेंगे किसी विरोध से बचेंगे और राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। धन्यवाद सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। अब हम चलते हैं फिर मिलेंगे कभी। यह हमारे माननीय विधायक जी का ऑफिस है और इसमें सभी लोग आए हैं आप देखेंगे इतने सुंदर भव्य बाबा साहब की अनिल कुमार जी हमारे घर है जो है ये ऑफिस है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। जय भीम।